प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लास 12th में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे अध्याय 4 का, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे ख्याति के व्यवहार का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। ख्याति, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि एक संस्था की, एक फर्म की जो अतिरिक्त लाभ कमाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही उसकी क्या है, ख्याति है। इस ख्याति का जो मौद्रिक मूल्यांकन है, इस मौद्रिक मूल्यांकन का जब हम नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो इस ख्याति की रकम का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पुराने साझेदारों में हो जाता है। अब यहाँ पर जब नया साझेदार प्रवेश करता है और वो अपने लिए जो उस फर्म की ख्याति के अनुरूप जो ख्याति की रकम लेकर आता है, उसके व्यवहार का जो लेखांकन है वो हम किस प्रकार से करेंगे, ये लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार हम जानेंगे। साथ ही लेखांकन प्रमाप की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं, उन विभिन्न स्थितियों में ख्याति के जो लेखे होंगे वो किस प्रकार से होंगे, इन सब बातों के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। ये हमारे सामने ख्याति का व्यवहार लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम फर्म में या उपक्रम में या संस्था में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार को फर्म की संपत्ति एवं फर्म के भविष्य के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब यहाँ पर नया साझेदार जो है, जब वो फर्म की संपत्ति में और लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, तो इसके एवज में वो पूंजी लेके आता है और भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नया साझेदार कुछ प्रतिफल ख्याति के रूप में लाना स्वीकार करता है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो नया साझेदार है वो अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन से संपत्तियों में हिस्सा और भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए वो पूंजी लेकर आता है। साथ ही नया साझेदार यहाँ पर प्रतिफल के रूप में ख्याति के रूप में भी लाना स्वीकार करता है। अब यहाँ नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की राशि की मात्रा, उसके निर्धारण की विधि का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है, परंतु उसके लिए लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाप का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर नया साझेदार जो भी ख्याति की राशि लेकर आता है उसका उल्लेख हम साझेदारी संलेख में करते हैं और इसके लिए जो लेखांकन प्रमाप तय किया गया उसके अनुरूप हम यहाँ पर प्रावधान करते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप 26, ये ध्यान रखेंगे आप कि ख्याति का व्यवहार का जो लेखांकन किया जाता है वो लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ लेखांकन प्रमाप 26 अमूर्त संपत्तियों की रचना की है। इस लेखांकन प्रमाप का ख्याति के लेखांकन से संबंधित प्रावधान निम्न है, जिनको हम आगे देखते हैं और हम डिटेल में विस्तार में जानते हैं लेखांकन प्रमाप 26 क्या है। तो लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाएगा जबकि उसका भुगतान मुद्रा या मुद्रा के रूप में किया गया है। अर्थात ख्याति का लेखा हम पुस्तकों में तभी करते हैं जबकि नया साझेदार जो है ख्याति की रकम नगद के रूप में लेकर या संपत्ति के रूप में लेकर आता है। तो लेखांकन प्रमाप का ये प्रावधान स्पष्ट करता है कि साझेदारी के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा क्योंकि उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम ध्यान दें,
कि ये प्रावधान स्पष्ट करता है कि साझेदारी के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, क्योंकि उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाना चाहिए। अब कुछ दशाओं में यदि नया साझेदार पूंजी के अतिरिक्त यदि अपने भाग की ख्याति को नगद लाता है तो यह राशि अधिमूल्य या प्रीमियम के रूप में स्वीकार की जाएगी। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब कोई नया साझेदार ख्याति की रकम को नगद लाता है तो ये राशि अधिमूल्य या प्रीमियम के रूप में स्वीकार की जाती है। अब ये जो राशि लेकर आता है ख्याति की नगद, ये क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। तो ये त्याग अनुपात किसका है, जो पुराने साझेदारों ने, जो नए साझेदार को अपना हिस्सा छोड़ा हुआ है, वो पुराने साझेदारों का क्या है, त्याग अनुपात, जिसको हम पिछले अध्याय में सूत्र के द्वारा देख चुके हैं। तो यहाँ जो भी साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ख्याति की रकम को नगद लाता है वो प्रीमियम के रूप में पुराने साझेदार स्वीकार करते हैं और उस ख्याति की रकम को पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट दिए लेते हैं। तो इस प्रकार यदि नए साझेदार के प्रवेश पर, निवृत्ति या मृत्यु पर, या विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो यह ख्याति पुस्तकों में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि यह वंशानुकूल ख्याति या अंतः प्रेरित अर्जित ख्याति है। इसके लिए फर्म प्रतिफल के रूप में मुद्रा का भुगतान नहीं करती। ऐसी दशा में ख्याति के मूल्य का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में नए साझेदार के पूंजी खाते को उसके ख्याति के भाग से डेबिट किया जाएगा व पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में क्रेडिट किए जाएंगे। यहाँ लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार नई फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति कभी भी प्रदर्शित नहीं हो सकती। तो यह था लेखांकन प्रमाप, जिसको हमने जाना कि लेखांकन प्रमाप क्या है। तो लेखांकन प्रमाप जो है, नया साझेदार के द्वारा जो भी ख्याति की रकम नगद लाई गई है उस ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पर हम करते हैं और विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने का जो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है वो ख्याति पुस्तकों में यहाँ नहीं लाते। तो यहाँ इस प्रकार से हम लेखांकन प्रमाप 26 के बारे में हमने जाना और इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारे सामने है लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार विभिन्न स्थितियों में ख्याति के संबंध में लेखे। तो यहाँ हम देखेंगे कि किन किन स्थितियों में ख्याति के लेखे जो हैं वो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ नए साझेदारों के प्रवेश के समय ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान रहना। यहाँ पर जो नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो ख्याति की रकम है वो पुस्तकों में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि ख्याति का नगद लाया जाना व व्यवसाय में रहना। अब यहाँ जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लेकर आता है तो यहाँ पुराने साझेदार जो हैं ख्याति को रकम को उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जहाँ पर जो है ख्याति की रकम वो उनके व्यवसाय में ही रही आती है। दूसरा है ख्याति की रकम को नगद लाया जाना व व्यवसाय से पुराने साझेदारों के द्वारा निकालना। अब यहाँ नया साझेदार जो ख्याति की रकम नगद लेकर आता है उस ख्याति की रकम को व्यवसाय से जो पुराने साझेदार हैं वो अपने अनुपात में यहाँ से ख्याति की रकम को निकाल लेते हैं। तीसरी स्थिति बनती है यहाँ पर कि ख्याति का नगद ना लाया जाना वरन उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर तीसरी स्थिति यह है कि यदि कोई नया साझेदार ख्याति की रकम को नगद नहीं लाता बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उस स्थिति में क्या लिखे होंगे, हम इसको देखेंगे। फिर ख्याति का आंशिक भाग नगद में लाना व शेष नगद में नहीं लाना। अब यहाँ ख्याति की जो कुल रकम नए साझेदार के द्वारा लाई जानी चाहिए उसका कुछ भाग आंशिक रूप से वो नगद में लेकर आता है और शेष नगद में नहीं लेकर आता है। तो यहाँ पर इस संबंध में क्या प्रविष्टि होगी इसको हम देखेंगे। फिर ख्याति को निजी रूप से बांटना, यहाँ हम ये देखेंगे
कि जो नए साझेदार के द्वारा ख्याति की रकम जो लेकर आया है, सभी साझेदार उसको व्यवसाय के बाहर ही निजी रूप से क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, और अंतिम स्थिति नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान रहना। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार विभिन्न स्थितियों में जो ख्याति के संबंध में लिखे हैं वो यहाँ पर 6 प्रकार से हम ख्याति के संबंध में लेखे करते हैं। सर ने यहाँ पर लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार पहली स्थिति जो भी मैंने बताई थी कि ख्याति का नगद लाया जाना व उसे व्यवसाय में रखना, तो यहाँ पर साझेदारी संगठन में जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और उसे व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है, तो इस दशा में हम पहले रोकड़ खाते में ख्याति की रकम को लाते हैं, फिर सभी पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में ख्याति की रकम को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, हम जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो जो ख्याति की रकम नगद रूप में लेके आया है उसको हम क्या करेंगे, व्यवसाय में ही रहने देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोकड़ खाते में ख्याति की रकम को लाएंगे, किसके द्वारा, जो नए साझेदार के द्वारा लाई गई है। फिर सेकेंड में फिर सभी पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में हम ख्याति की रकम को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम जनरल प्रविष्टि जो इसमें करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट इन हैज प्रीमियम। यहाँ रोकड़ खाते में जो नए साझेदार के द्वारा ख्याति का प्रीमियम लाया गया उसको हम किस में ले गए, रोकड़ खाते में, तो रोकड़ खाता डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हो गई पहली प्रविष्टि। अब इसी में दूसरी प्रविष्टि जो है, ये जो ख्याति की रकम है पुराने साझेदार के खातों में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जितना भी अमाउंट ख्याति के रूप में वो लेके आया वो क्या होगा, डेबिट हुआ यहाँ टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उन साझेदार मतलब सेक्रीफाइजिंग ओल्ड, जो पुराने साझेदार हैं जिनके द्वारा त्याग किया गया है, जिन्होंने नए साझेदार को अपने लाभ का हिस्सा दिया है, उन साझेदारों का जो त्याग अनुपात है उनके त्याग के अनुपात में ये नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन पुराने साझेदारों के बीच में हो जाएगा, उन पुराने साझेदारों के बीच में जिन्होंने त्याग किया है, तो उनके त्याग अनुपात में। यहाँ बीइंग प्रीमियम क्रेडिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइजिंग रेटियो। तो यहाँ पर ये प्रीमियम क्रेडिट हुआ उन साझेदारों के खाते में जिन्होंने त्याग किया है, और किस अनुपात में, उनके सेक्रीफाइजिंग रेटियो में, त्याग अनुपात में। तो यहाँ पहली स्थिति में हम देखते हैं ख्याति की रकम को जब वो नगद लेके आता है नया साझेदार उसको हम व्यवसाय में रहने देते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और सेकंड जो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि दो साझेदार हैं त्याग करने वाले या तीन हैं तो हर एक का जो त्याग अनुपात से हिस्सा बनेगा ख्याति में उसको यहाँ हम ए बी सी करके ओल्ड पार्टनरों को यहाँ लिखेंगे। तो ये पहली स्थिति है ख्याति का नगद लाए जाना व उसे व्यवसाय में रखना। दूसरी स्थिति हमारे सामने है कि ख्याति की रकम जब नया साझेदार नगद लेकर आता है और पुराने साझेदारों के द्वारा उसे निकाल लिया जाता है, तो यहाँ जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो रोकड़ खाता जैसा भी हमने किया डेबिट किया जाएगा और प्रीमियम खाता क्या है, क्रेडिट किया जाएगा। पुनः प्रीमियम खाता डेबिट करके पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को उस अनुपात में हम क्रेडिट करेंगे जिस अनुपात में उन्होंने अपने भाग का त्याग नए साझेदार के लिए किया है। तो इसकी जो जनरल प्रविष्टि होगी वही होगी, पहले सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अर्थात नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति की रकम लाई गई उसको हमने रोकड़ खाते में यहाँ पर डेबिट की। दूसरी प्रविष्टि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर भी जो ख्याति की रकम है उसको हमने यहाँ डेबिट किया किससे, पुराने जो साझेदार हैं उनके पूंजी खाते से।
अब यहाँ पर इसमें भी जैसा भी बताया था हमने, सेक्रीफाइजिंग रेटियो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनके त्याग अनुपात में इस जो ख्याति की राशि है इसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया। अब चूंकि साझेदार इस रकम को क्या कर रहे हैं, व्यवसाय में नहीं रख रहे हैं, इसको साझेदार द्वारा निकाल रहे हैं, मतलब पुराने साझेदार जो है नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति की रकम लाए हैं उसको क्या कर रहे हैं, निकाल कर ले जा रहे हैं। तो यहाँ तीसरी अतिरिक्त प्रविष्टि होगी जो कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये ए और बी मान लीजिए दो यहाँ पार्टनर हैं जिन्होंने त्याग किया है, तो दोनों के त्याग अनुपात के अनुसार जो ख्याति की रकम आई है वो यहाँ डेबिट होगी टू कैश अकाउंट। जो जितनी प्रीमियम के रूप में ख्याति की रकम आई थी वो क्या होगी, यहाँ क्रेडिट। तो तीसरी स्थिति में यहाँ क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसके अंतर्गत पुराने साझेदार जो है अपने त्याग अनुपात के अनुसार जो है ख्याति की रकम को व्यवसाय से निकाल ले जाते हैं। तीसरी स्थिति हमारे सामने है यहाँ पर, ख्याति का नगद ना लाया जाना व उसका मूल्यांकन। अब यहाँ तीसरी स्थिति, अभी पहली स्थिति में हमने देखा था कि जबकि नया साझेदार फर्म में ख्याति की रकम को नगद लेके आता है और उसको व्यवसाय में रखा जाता है। दूसरी स्थिति देखी थी हमने कि यदि नया साझेदार व्यवसाय में ख्याति की रकम को नगद लाया जाता है और उसको व्यवसाय में नहीं रखा जाता। अब तीसरी स्थिति यहाँ पर है, ख्याति का नगद ना लाया जाना बल्कि उसका मूल्यांकन करना। तो जब कोई साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता और सिर्फ ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो ऐसी दशा में नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की गणना की जाती है और इसी ख्याति का लेखा पुस्तकों में पूर्व में बताए गए लेखांकन प्रमाप AS 26 के प्रावधान का पालन करते हुए हम ख्याति का लेखा जो है निम्न प्रविष्टि के अनुसार यहाँ पर हम करते हैं। तो इसकी प्रविष्टि जो होगी, न्यू पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट, मतलब जितनी नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की रकम जो बनती है वो क्या होगी, उतने से ये खाता क्या होगा, डेबिट होगा, न्यू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात पुराने साझेदारों ने जिस अनुपात में त्याग किया है उस अनुपात में ख्याति का जो मूल्यांकन मूल्यांकित राशि है, ठीक, यहाँ पर चूंकि नया साझेदार नगद राशि नहीं ला रहा है, सिर्फ हम ख्याति का क्या कर रहे हैं, यहाँ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम मूल्यांकित राशि को लेंगे। तो जिस अनुपात में पुराने साझेदारों ने त्याग किया है उस अनुपात में, उस त्याग अनुपात में हम यहाँ मूल्यांकित ख्याति की रकम को यहाँ पर जितने साझेदार हैं उनके बीच में बांटकर यहाँ हम क्रेडिट करेंगे। विंग न्यू पार्टनर शेयर्स ऑफ शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट एंड क्रेडिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइजिंग रेटियो। तो यहाँ जो नए साझेदार के द्वारा ख्याति की मूल्यांकित राशि है उसको हम यहाँ पर पुराने साझेदारों के खाते में क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, किस अनुपात में, उनके त्याग अनुपात में। तीसरी स्थिति यहाँ पर है, ख्याति का नगद न लाया जाना बल्कि हमें क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। चौथी स्थिति हमारे सामने है यहाँ पर कि जब नया साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति का कुछ भाग नगद में लाना और कुछ भाग नगद में नहीं लाना। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का कुछ भाग ही नगद लाता है तो इस संबंध में निम्न प्रविष्टि की जाती है। तो यहाँ कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ जितनी रकम वो नगद लेके आता है, बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव्ड, जितना भाग वो नगद लेके आया है उतने हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ रिसीव किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी प्रविष्टि है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूर्ववत की तरह यहाँ पर हम जो भी अमाउंट रकम लेके आया है उसको हम पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम बॉट इन कैश क्रेडिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइजिंग रेटियो। तो यहाँ जो ख्याति की रकम नगद लेके आया है उसको त्याग अनुपात में यहाँ पर जो पुराने साझेदार हैं
वो अपने खाते में इसको यहाँ क्रेडिट कर लेते हैं। फिर तीसरी स्थिति में यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करंट पब्लिक कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो अनपेड ख्याति है, जैसा भी बताया यहाँ कि कुछ भाग नगद में लाता कुछ नगद नहीं लाता, तो यहाँ जो अनपेड जो नगद नहीं लाया उतना, मान लीजिए यहाँ पर 1/4 हिस्सा जो है वो नगद लाया था और 3/4 हिस्सा नगद नहीं लाया, तो यहाँ पर प्रविष्टि की स्थिति होगी 3/4 हिस्से की। तो न्यू पार्टनर्स करंट पब्लिक कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अनपेड गुडविल बाय द न्यू पार्टनर्स क्रेडिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइजिंग रेटियो। तो यहाँ पर जो अनपेड ख्याति है जो नए साझेदार के द्वारा लाई गई है उस